नमस्ते दोस्तों, आप सभी को और एक बार मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आज का वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप अगर आप एक डैडी बनने जा रहे हो, तो फर्स्ट टाइम डैडी बनने जा रहे हो, तो कहाँ जाके डिलीवरी करना है, और या नया मम्मी बनने जा रहे हैं तो प्रेगनेंट होने का बाद, बीवी प्रेगनेंट होने के बाद आफ्टर 8 मंथ्स आपको कौन सा मेडिकल में जाना है उसका बारे में बता रहा हूँ। और मी तो बेस्ट हॉस्पिटल है, मैं और बताऊंगा क्योंकि मैं उसका ऊपर एक्सपीरियंस करके आया हूं, तो उसका मैं बता रहा हूं, बताते जा रहा हूं। तो जी हाँ, तो जैसे कि मेरे कैप्शन में आप लोग देख सकते हैं, ट्रिम्स हॉस्पिटल नाहरलगुन, जो कि अपना कैपिटल सिटी अरुणाचल ईटानगर, उसका ट्विन सिटी है नाहरलगुन जहाँ में आपको ट्रिम्स हॉस्पिटल है। तो उसके बारे में मैं हर एक डिटेल आज देने वाला हूँ वन बाई वन। तो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए। एंड जी हाँ, और लास्ट में मैं ऐसा 2 टिप्स दूंगा जो कि आपको बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है, बहुत आपको वो 2 चीज़ आपको बहुत महत्व होगा। सो ये लास्ट तक देखिएगा आप। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि ट्रिम्स हॉस्पिटल बहुत बड़ा बहुत बड़ा बिल्डिंग है। तो उसको आपको कंडीशन होने के लिए आपको कहाँ से क्या करना है, वहाँ में 3 गेट है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको 3 गेट से घुसा के इनसाइड पूरा मेडिकल के अंदर जाके सब कुछ बताता हूँ कि मतलब आपको उसका अंदर में कैसे करना है। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने थंबनेल में दिया हुआ, इस मेडिकल में 300 से भी ज़्यादा बच्चा पैदा होता है हर मंथ, और डिलीवरी सक्सेस रेट 100% है। सो आप बेफिक्र ट्रिम्स में लाइए और बेफिक्र बैठिए अपना बीवी के साथ और डिलीवर कीजिए बच्चा। थैंक यू। जैसे कि दोस्तों, हम लोग डिलीवरी करना है तो गायनोकोलॉजी डॉक्टर को दिखाना होता है। सो गायनोकोलॉजी डॉक्टर को दिखाने के लिए आपको सबसे पहले ओपीडी में जाके उसके लिए टिकट काटना होता है। सो ओपीडी में जाने के लिए आपको ये एक टावर जैसा बिल्डिंग को देखिए, ये एक्चुअल में एक पार्किंग बिल्डिंग है। इस बड़ा सा पार्किंग बिल्डिंग में आपको ट्रिम्स मेडिकल का डॉक्टर्स एंड स्टाफ लोग का गाड़ी को पार्क करके रखा जाता है ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक। सो इस बिल्डिंग का जस्ट बगल से आप एंट्री करते ही आपको ओपीडी का रास्ता मिल जाएगा। तो अभी हम पहुंच चुका है गेट नंबर 1 का सामने में। तो आप मेरा जस्ट आगे में जो दिखाई दे रहे हो गेट नंबर 1, सो यही है गेट नंबर 1, स्टील वाला गेट, और लिखा हुआ है गेट नंबर 1। आदमी लोग भी जा रहे हैं यहाँ से। तो गेट का बाहर में हमको ये भैया मिला जो डिसेबल पर्सन है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं। गेट से एंट्री करते आप राइट से लेंगे तो आपको ऐसा बड़ा सा लिखा मिलेगा ओपीडी ट्रिम्स ब्लॉक 2। तो इसका अंदर जाना है अभी, तो अभी मैं जा रहा हूँ इसके अंदर, देखते रहिए। और वहाँ मिलेगा टिकट काउंटर। ओपीडी का अंदर पहुँचते आपको यहाँ पर बहुत सारा टिकट काउंटर मिलेगा, लड़का का अलग से, लड़की का अलग से, बहुत सारा यहाँ में टिकट काउंटर है, तो आप कहीं भी जाके काट सकते हैं टिकट। कहते हैं अभी आपको जाना है डॉक्टर का केबिन में। सो डॉक्टर का केबिन को मिलने के लिए आपको हम लोग को जाना होता है फर्स्ट फ्लोर में। तो फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए आपको सीढ़ी भी मिल जाता है एंड लिफ्ट भी मिल जाता है, आप किसी से भी जा सकते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट से, फिर आप थोड़ी देर लिफ्ट को वेट कीजिएगा, लिफ्ट को बुला के, एंड लिफ्ट को बुलाने के बाद आपको फर्स्ट फ्लोर जाना है तो ऑब्वियसली नंबर 1 को दबाना है, आप नंबर 1 को दबा दीजिएगा। वेल कैसे आप लोग लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, आप फर्स्ट फ्लोर में पहुँच गया अभी। फर्स्ट फ्लोर में आपको हम पूछा था कि सीसी कैमरा लगा के रखा था, इसलिए मैं वीडियो अंदर का नहीं बना सका। वहाँ से आपको डायरेक्ट बहुत सारा रूम्स मिलेगा, तो आपको वहाँ से सीधा जाना है और लास्ट फ्लोर में जो रूम्स होगा वहाँ में जाना है आपको। वहाँ मिलेगा गायनोकोलॉजी का डॉक्टर, तो वहाँ में आपको कंसल्ट कर लेना है डॉक्टर से, फिर डॉक्टर आपको डेट ऑफ डिलीवरी देगा, और बाद में आपको डॉक्टर लेबर रूम में जाके आपको दिखाने के लिए बोलते हैं जब आपको लेबर पेन होगा अपना बेबी को। सो तो आपको लेबर रूम जाने के लिए आपको यहाँ तक, आप इस वीडियो को देखिए यहाँ तक, यहाँ से भी जा सकते हैं। सो वहाँ पे 2 बिल्डिंग होते, एक न्यू बिल्डिंग और एक ओल्ड बिल्डिंग। सो अभी हम लोग यहाँ तक न्यू बिल्डिंग के अंदर था, न्यू बिल्डिंग से आपको लेबर में जाने के लिए ओल्ड बिल्डिंग में जाना है। सो ओल्ड बिल्डिंग में जाने के लिए ये मेरे साइड में आप देख सकते हैं, ये लोग आयरन ब्रिज है, एक आयरन ब्रिज अटैच है दोनों का बिल्डिंग का बीच में बना है, वो आयरन ब्रिज आप सीधा चला जाए ये डॉक्टर लोग का, डॉक्टर्स का रूम से, तो आगे में आप डायरेक्ट हम लोग पहुँच जाएंगे लेबर रूम। तो ये एकदम कुछ भी कन्फ्यूज नहीं होगा आप, ऐसा है कि ये वो जो आयरन ब्रिज है वहाँ से हम आया। सो ये जो जगह है लेबर रूम, इसमें आपको आना होता है, डॉक्टर को दिखाओ या मत दिखाओ आपको आना होता है, यही पर आना होता है। लास्ट में आपको बेबी यहाँ पे एडमिट होता है लेबर रूम, लेबर रूम का अंदर ही आपको डिलीवरी रूम भी होता है।
तो यहाँ तक आने के लिए आपको तीन रास्ता है इस मेडिकल में। तो ये जो पहला रास्ता हम आपको अभी तक पता है, ये पहला रास्ता था। तो अभी मैं आपको दूसरा रास्ता भी दिखाऊंगा और तीसरा रास्ता भी दिखाऊंगा, जो कि गेट नंबर 3 और गेट नंबर 2 से है। तो इस लेबर रूम तक आने के लिए आपको सबसे आसान रास्ता जो है गेट नंबर 3 है। तो मैं आपको दिखाएगा गेट नंबर 3, जो कि बैक साइड में पड़ता है, तो उसको दिखाएगा हम। तो यहाँ तक आप पहुँचेगा मतलब आपका बीपी एकदम सेफ और बहुत अच्छा से डिलीवर हो जाएगा। सो गाइस, लेबर रूम में जाने के लिए तो आप अगर गेट नंबर 3 से जाना चाहते हैं तो गेट नंबर 3 से भी जा सकते हैं, जो सबसे आसान पड़ता है। तो ये है गेट नंबर 3, जो कि ट्रिम्स का बैक साइड में है। तो इसके अंदर जाते बहुत ज़्यादा पार्किंग होगा और पार्किंग से थोड़ा अंदर जाते ये इस तरह ये एंट्री मिलेगा। तो इस एंट्री से आपको डायरेक्ट अंदर घुस जाना है, जिससे कि ये लोग जो अंदर जा रहे हैं तो इसका अंदर चला जाना है। अंदर में जाते आपको ये एक लिखा हुआ साइन बोर्ड, तो यहाँ पर आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं। राइट साइड में लिफ्ट होगा और लेफ्ट साइड से सीढ़ी होगा, यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पर आफ्टरनून को गार्ड्स भी बहुत ज़्यादा होगा, सिक्योरिटी गार्ड्स, वो लोग चेक करते हैं। यहाँ से बेच के आपको सामने में लिखे वे टू लेबर रूम। तो यहाँ से सीढ़ी से जाइए, आपको लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेते आप पहुँचेंगे लेबर रूम, ये देखिए। सो गेट नंबर 3 से आप लोग इस तरह आराम से पहुँचेगा लेबर रूम। एंड और आपको कुछ दवाई लेना है तो नीचे में आपको मिलेगा अमृति फार्मेसी, जिसको सस्ता है, सस्ता पड़ता है उसमें। थर्ड गेट जो बोर्ड सामने था, लेकिन आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कोई सा भी गेट से जा सकते हो। ये सेकंड गेट साथ गेट नंबर 2, जो कि मिडिल में एकदम। तो यहाँ से आप बाहर से आपको इस तरह देखते हैं, तो या इसका अंदर जाते आपको इस तरह राइट साइड में जो तो फास्ट गेट का जो है बिल्डिंग, जो पार्किंग बिल्डिंग था, वो दिखा देगा। और सामने आपको इस तरह अंदर जाने वाला ये एक रास्ता ग्राउंड फ्लोर में। आप लेफ्ट साइड में यहाँ में देखिए, उधर में लिखा हुआ है वे टू लेबर रूम। फिर यहाँ से आप सीधा जाना है, सीधा जाते आपको ये सामने में मिलेगा ये आयरन ब्रिज, जो कि न्यू बिल्डिंग को ओल्ड बिल्डिंग में कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सामने में, अभी यहाँ सामने में जो एक लड़की जा रहा है, वहाँ से आपको डायरेक्ट जाना है। वहाँ से जाके आपको लेफ़्ट लेना है, तो वहाँ से लेफ़्ट लेते आप कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ में डायरेक्ट फिर से अमृति फार्मेसी मिल जाएगा। वो अमृति फार्मेसी से आपको थोड़ा आगे जाके फिर वो सिक्योरिटी गार्ड लॉक मिलेगा। वहाँ से आप राइट साइड जाएगा तो आपको सीढ़ी मिल जाएगा फर्स्ट फ्लोर के लिए, और लेफ्ट साइड चले जाएगा तो आपको वहाँ में लिफ्ट भी मिल जाएगा। तो फिर आप डायरेक्ट लेबर रूम में पहुँचेगा। सो सिंपल। वेल गाइस, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट में जाके मैं आपको ऐसा 2 टिप्स बताऊँगा जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो उससे पहले आप इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा अच्छा लगा तो, एंड बहुत अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कर दीजिएगा। तो वो 2 चीज़ जो वो क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इस मेडिकल में जाने से पहले आप वहाँ जाके OPD में जाके, आपको OPD काउंटर में जाके लाइन करना नहीं होगा। उसके लिए एक ऐप है आभा ऐप, उसको इंस्टॉल करके आप एडवांस बुकिंग कर सकता है टिकट के लिए। एंड दूसरा जो CMB कार्ड होता है हम लोगों, CMB हेल्थ मेडिकल कार्ड होता है, उसको आप मेडिकल में पहुँचते एक्टिवेट कर दीजिएगा। तो वो एक्टिवेट करने से आपको इवन पूरा दवा तक सब कुछ फ्री होता है, सब फ्री हो जाता है। तो मेरे से भूल हो गया था, भूल मतलब मेरे को आइडिया नहीं था कि उसको जाके वहाँ पर एक्टिवेट करने से मेडिसिन तक आपको फ्री में मिल जाता है। सो आप उसको एक्टिवेट कर दीजिएगा। अगर आपका पास CMB कार्ड नहीं भी होगा, फिर भी आप आराम से इस मेडिकल में आपको लेस अमाउंट, आप लगभग फ्री के लीजिए उतना में आपको नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही जाता है। एंड और सीजन करना हो तो थोड़ा सा खर्चा चाहिएगा होगा। सो इतना में आपको इस वीडियो द्वारा बताना चाहेगा। सो हमेशा की तरह, अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगा तो प्लीज़ और एक बार लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। और बहुत जल्दी मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खाओ पियो, अलविदा।